अस्सलामुअलैकुम गाइस, आज का हमारा टॉपिक जो है साउथ कोरिया इंटरनेशनल फिल्म बिजनेस एकेडमी बुसन एशियन फिल्म स्कूल के हवाले से। आजकल ये स्कॉलरशिप ऑफर कर रही है, 8 महीने का कोर्स है इंटरनेशनल फिल्म बिजनेस एकेडमी प्रोड्यूसिंग। तो इस डेमो वीडियो पे हम ये देखेंगे कि इस यूनिवर्सिटी के लिए हम कैसे अप्लाई करें और स्पेशली जो पाकिस्तानी स्टूडेंट है वो इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो इसके लिए एलिजिबल हैं। और 8 महीने का ये कोर्स है। ये एडवर्टाइजमेंट आप देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए और बेनिफिट प्रोवाइडेड टू एडमिटेड फेलोज के लिए क्या बेनिफिट ये प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलते हैं इसकी एप्लीकेशन की तरफ। ये आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो, ये इंटरनेशनल फिल्म बिजनेस एकेडमी है साउथ कोरिया का। ये www.afis.ac को जब आप गूगल क्रोम किसी भी ब्राउज़र में ओपन करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। इसमें ये लिस्ट ऑफ नेशन एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द इंटरनेशनल फिल्म बिजनेस एकेडमी है। 2 पे है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है। 3 पे है एप्लीकेशन गाइड फॉर IFBA 2025 एडमिशन PDF। सबसे पहले हम नेशन एलिजिबल को देखेंगे, ठीक है। ये फाइल है, फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ये आप देख सकते हो, नेशन एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द इंटरनेशनल फिल्म बिजनेस एकेडमी। कज़ाकिस्तान है, ठीक है, मुख्तलिफ कंट्रीज़ हैं, इसमें पाकिस्तान भी है। इसके बाद जो है इसका रिकमेंडेशन लेटर का जो अपना फॉर्मेट है, ये है जो कि आपने अपने सुपरवाइज़र से आपने इसको फिल करके भेजना है। इसके बाद चलते हैं इसके एप्लीकेशन की तरफ। इसका एप्लीकेशन जो है, इसका यूआरएल जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। ये डिटेल्स हैं, एड्रेस हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने नेक्स्ट करना है। इसको ओपन करने के बाद तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास है पर्सनल इंफॉर्मेशन है आपके, अपना नाम लिखना है अकॉर्डिंग टू पासपोर्ट, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ हो गए, मेल फीमेल, ठीक है। और नेशनलिटी ईमेल, ठीक है। फ़ोन नंबर विद इंटरनेशनल कोड। इसके बाद जो है आपका पिक्चर होना चाहिए। एड्रेस देना है आपने यहाँ पे। इसके बाद जो है आपका जो एजुकेशन लेवल्स हैं आपके, स्कूल्स हो गए, कॉलेज हो गए, बैचलर हो गए या एमएस हो गए, ठीक है। ये मिलिट्री सर्विस इंफॉर्मेशन ओनली फॉर कोरियन है, ठीक है। इसको आपने फिल नहीं करना है, ठीक है, एग्जम्प्टेड करना है। इसके बाद जो है आपका पर्सनल स्टेटमेंट लिखना है, पर्सनल स्टेटमेंट 500 वर्ड आर लेस देन योर कोर्स ऑफ लाइफ, योर व्यू ऑफ लाइफ, स्टडी बैकग्राउंड, योर होप एंड विशेस, योर मोटिवेशन फॉर अप्लाइंग फॉर दिस प्रोग्राम, रीज़न फॉर स्टडिंग इन कोरिया एट बसन इन एशियन फिल्म स्कूल, ये आपने लिखने हैं। इसके बाद जो है आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना है। और इसके बाद जो है आपने सेल्फ इंट्रोडक्शन वीडियो का लिंक आपने अपलोड करना है, 2 मिनट आर लेस, यूट्यूब आर वीमो एक्सेट्रा, ठीक है। ये आप देख सकते हो पोर्टफोलियो यहाँ पर दिया गया हुआ है, अप टू वर्क दैट कैन शो द एप्लीकेंट पोटेंशियल एज ए फिल्म प्रोड्यूसर, शॉर्ट और फीचर फिल्म, वीडियोस, नावल, फोटोग्राफ, एकेडमिक थीसिस एक्सेट्रा। इफ सबमिटिंग ए वीडियो फिल्म, प्लीज सबमिट वर्क विच कंटेन द एप्लीकेंट नेम इन द एंड ऑफ द क्रेडिट। ये आप सारे डिटेल से पढ़ लें, पढ़ने के बाद अगर आप रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हो तो आप इसके लिए अप्लाई करें। जॉब एक्सपीरियंस ये कोई कंपलसरी नहीं है। पोर्टफोलियो इंट्रोडक्शन है आपका,
उसके बाद जो है वीडियो पोर्टफोलियो लिंक ऑप्शनल है ये भी, प्रोजेक्ट प्रपोजल फॉर फ्यूचर लेंथ नैरेटिव फिल्म ठीक है, डेवलपमेंट आइडिया लॉग लाइन 50 वर्ड्स, डेवलपमेंट आइडिया 300 और लेस देन, साइनॉप्सिस ठीक है, फाइनेंसिंग प्लान। ये आपने लिखने के बाद आपने जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है ये आप यहाँ पे देख सकते हो ठीक है। इफ़ यू हैव मोर देन वन पेज ऑफ एनी एकेडमिक प्लीज़ मेक इट इनटू वन पीडीएफ फाइल एंड अपलोड। इफ़ देयर इज़ एनी अदर डॉक्यूमेंट दैट मेट हेल्प योर एप्लीकेशन प्लीज़ कंप्रेस इनटू द जिप फाइल विद टाइटल नेम नेशनलिटी। If documents are written in English or other than language or Korean, they must be translated to English or Korean before submission. इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है डॉक्यूमेंट सबमिशन सबमिट करते वक्त। ये सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन हो गए आपके, यहाँ पे आपका CV हो गया, करिकुलम वीटा, रिकमेंडेशन लेटर जो कि ये फॉर्मेट है इसको आपने फिल करना है, सिग्नेचर ऑफ रेफरेंसी, फिर इसी रिकमेंडेशन लेटर को आपने यहाँ पे अपलोड करना है। इसके अलावा अगर अदर डॉक्यूमेंट है आपके पास अदर जिप फाइल तो आपने यहाँ पे अपलोड करने के बाद इसको सबमिट कर देना है। एप्लीकेशन इसका बिल्कुल इजी है, अगर फिर भी आपको समझ ना आए तो एप्लीकेशन गाइड फॉर IFBA 2025 एडमिशन PDF इसको आप पढ़ लें, मैं इसका लिंक भी आपके साथ शेयर करूंगी। ये सारे डिटेल्स हैं, इधर कोर्स के डिटेल हैं ठीक है, और ये सब कुछ यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, अल्लाह हाफिज़।